हे गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ पॉपकॉर्न मेकर का। और गाइस, पॉपकॉर्न मेकर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। मतलब सिर्फ 3 मिनट में आपको जो है काफ़ी अच्छा से पॉपकॉर्न जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम से काफ़ी अच्छा से पॉपकॉर्न निकल जाता है। ओके, तो सिंपल इसका अनबॉक्सिंग करने वाले आज। तो इसको पैकिंग सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ। तो काफ़ी अच्छा पैकिंग इन्होंने दे रखा है, एकदम हार्ड डब्बा, ताकि जो है प्रोडक्ट को कोई डैमेज ना हो। और गाइस, आपको परचेस करना है तो सिंपल आप परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो सिंपल से खोल लेते हैं। सो गाइस, मैं बॉक्स को साइड कर लेता हूँ और ये देख लो हमारा प्रोडक्ट काफ़ी गाइस प्यारा हो जाता है। और गाइस, कलर जो है रेड हो जाता है, मैंने रेड में परचेस किया है। ओके, और इस तरफ देख सकते हो, यही सब इसका फोटो सब दिया हुआ है। और गाइस, ये जो है पूरा ऑयल फ्री हो जाता है। मतलब इसमें आपको जब पॉपकॉर्न आप बनाओगे तो आपको एक बूंद भी ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। और बाद में आप बनाने के बाद अपना जो है अलग से अपना फ्लेवर के लिए जो भी आप जो नमक वगैरह जो भी आप सॉल्ट वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से इसका पैकिंग ओपन कर लेते हैं। और अंदर से हमारा निकला है, सबसे पहले गाइस इसका ऊपर का है ढक्कन वगैरह, और ये हमारा मशीन। ओके, काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज। और क्या है देख लेते हैं। और गाइस, इसमें जो इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है, इसका टर्म्स कहीं सर मैनुअल कैसे इसको चलाना है वगैरह। ठीक है, तो मैं बॉक्स को साइड कर देता हूँ और इसका सब जो है इसका प्लास्टिक सब निकाल देते हैं। ये इसके ऊपर लगाने का दिया है, और देख सकते हो स्पून दिया है, और यहाँ हमारा मशीन। ओके, तो सिंपल मैं सबको बाहर निकाल लेता हूँ बॉक्स सबको। और ये देख लो, ये आता है हमारा पॉपकॉर्न मेकर। और इसके ऊपर देख सकते हैं चमकी वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको सिंपल मैं निकाल लेता हूँ पहले। इसका ऊपर सिंपल जो कैसे दिया हुआ है, इसको आपको इस टाइप से देखो इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे कब इसको लगाना है। और ये वाला जगह इसके ऊपर आप सिंपल यहाँ पे लगा सकते हो, और इसमें जो आप पॉपकॉर्न डाल के इसके अंदर इस तरह कर सकते हो, या फिर आप सिंपल जो है इसमें पॉपकॉर्न डाल के भी इसमें इस तरह डाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल इस तरह डाल सकते हो। तो काफ़ी अच्छा जला दिया है मुझे लगा, देख लो इस तरह आप सिंपल जो है इसको डाल सकते हो उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले चलो मैं इसका जो आपको जो है कैसे क्या बता देता हूँ करना है इसमें। तो क्या इसका जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक तार दिया हुआ है, इसको सिंपल निकाल लेते हैं बाहर। ये देख लो, इतना इसका वायर साथ में हमें मिल जाता है। ओके, तो वायर को सबसे पहले निकाल देते हैं, ये बंधा हुआ है। और गाइस, इसका जो प्राइस का बात कर ले तो गाइस, इसका प्राइस जो है हमारा 1200 के लगभग पड़ा है, 1200। ठीक है, तो अलग अलग एक्सपेंसिव प्राइस में भी अवेलेबल है, 1000 में भी है, 1100 में, 1200। ठीक है, तो अलग अलग सबका प्राइस है। और गाइस, वायर का बात करें तो वायर देख सकते हो इतना छोटा है कि मैं बोर्ड में भी इसको लगा नहीं पाऊंगा। तो इसमें आपको जो है बोर्ड वगैरह लगा के इसको लगाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं वायर में आपको कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है, सिर्फ वन क्लिक इसका ऑपरेटर जाता है, सिर्फ एक क्लिक में आपका जो ऑन और ऑफ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका वायर जो है काफ़ी छोटा है, तो इसको मैं थोड़ा बोर्ड वगैरह में करके इसका वायर लगा लेता हूँ सबसे पहले। सो ये सिंपल देख सकते हो, मैं इसको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिया हूँ। और सिंपल इसको इसके ऊपर आपको लगा लेना है इस तरह, ये देखो इस तरह लगा देना। और इसमें जो है आप जो मैं कुछ ले लिया हूँ कॉर्न, ठीक है, मकई, तो इसमें आपको डाल देना है। और गाइस, आपको एक चीज़ याद रहे कि इसमें जो आपका खास कॉर करके देख सकते हो, हमारा जो है बॉक्स में लिखा हुआ है कि ये ऑयल फ्री है, तो इसमें एक बूंद भी तेल आपको जो है नहीं डालना है। ठीक है, एक बूंद भी इसमें आपको ऑयल नहीं डालना है, वरना ये मशीन बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप ऑयल डालते हो तो ये जल के धुआं वगैरह होगा, तो इसमें आपको ऑयल थोड़ा भी नहीं डालना है। सिंपल जो आपको जो आता है पैकेट कॉर्न वाला 10 रुपये वाला, देखते होंगे उसमें आपका जो ऑयल रहता है, ठीक है, तो वो वाला आपको नहीं डालना है। आपको सिंपल जो मार्केट से जो कॉर्न बाय कर लेना है, ऑर्डर कर सकते हो सिंपल मार्केट से, तो उसको आपको डालना है। ओके, तो सिंपल जो यहाँ बस एक वन देख सकते हो, ये देख लो सिंपल वन क्लिक पे ऑन हो जाता है। तो सिंपल मैं इसको क्लिक करके ऑन कर लेता हूँ, ये देखो ऑन कर लिया हूँ। इसको सिंपल इसके ऊपर आपको डाल देना है। ओके, तो डाल देते हैं। और क्या डालते ही जो है 3 मिनट के अंदर खाली ये पॉप को निकलना शुरू हो जाता है। ओके, तो सिंपल इसको ऊपर हूँ। और ये मैं एक तो कटोरी ले लिया हूँ जिसमें जो पॉपकॉर्न जो निकल के तैयार हो गिरेगा। तो गाइस, आवाज़ काफ़ी से आ रहा है। तो गाइस, सिंपल जो है 3 मिनट आपको इसको ऑन रखना है और जब पॉपकॉर्न निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल ऑन कर देता हूँ। देख सकते हो हमारा जो है स्मेल आने लग गया पॉपकॉर्न का। अब जो है पॉपकॉर्न जो निकलना शुरू हो जाएगा गाइस, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं पॉपकॉर्न निकलने का।
और गाइस देख सकते हो हमारा जो पॉपकॉर्न निकलना शुरू हो गया है, देख सकते हो जितना जो पॉपकॉर्न निकलना शुरू हो गया है। तो गाइस देख सकते हो काफी से कहीं इंटरेस्टिंग हो जाता है, काफी अच्छा हमारा पॉपकॉर्न निकला, काफी चारों तरफ जो फैल गया। तो देख सकते हो इतना काफ़ी सारा निकल गया, काफ़ी अच्छा से निकला और काफ़ी अच्छा केस हो जाता है, मशीन काफ़ी जो हिट हो गया है। और कैसे एक चीज़ इसमें और लिखा था, इसका पेपर मैंने पढ़ा था टर्म्स कंडीशन कि इसको जो आपको एक बार आप यूज़ अगर करते हो इसको, जैसे अभी मैंने यूज़ किया, तो इसको आप दोबारा यूज़ करना है तो 15 मिनट के बाद यूज़ करना, ठीक है। मतलब एक बार आप लगातार जितना निकालना है निकाल लो, एक मग दो मग कटोरी जितना भी आपको निकालना निकाल लो, उसके बाद दोबारा आप जब इसे ऑन करोगे यूज़ करोगे तो 15 मिनट के बाद यूज़ करना है, ठीक है। और ऐसा मत करना कि मशीन ऑन कर दिया उसके बाद डाला, बस मशीन ऑन किया तुरंत आपको पॉपकॉर्न डालना है और तुरंत काफ़ी अच्छा से हमारा ऑयल फ्री पॉपकॉर्न देख सकते हो निकल गया। और अगर इसमें जो है आपको ऑयल नहीं डालना है पहले, और आप चाहो तो बाद में जो है अपना ऑयल ले सकते हो, वैसे कि बाद में आपका सॉल्ट ऑयल जो भी है आप इसमें जो है बाद में देख सकते हो इस तरह आप डाल सकते हो। ओके, पहले आपको नहीं डालना है, बाद में डाल के आप सिंपल्स को मिला के सिंपल्स को खा सकते हो। तो गाइस काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारा मशीन, और लेना है बता ही रखा, और डिस्क्रिप्शन लिंक है सिंपल आप ले सकते हो। तो इस कुल मिला के बाहर जाता है, काफ़ी अच्छा मशीन हो जाता है। तो ये हो जाता है वीडियो, वैसे वीडियो पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद लाइक कर लो, चाहे शेयर कर लो।